नमस्कार, मैं हूं इस समय चौखुटिया के खत्री गांव में। खूबसूरत गेहूं की फसल देखिए कितना, और ये कितना खूबसूरत जगह है, देखिए, देख के बड़ा मन प्रसन्न हो गया। और यहां पर गांव की महिलाएं थी, अपने रोज़मर्रा के काम से आ रही थी, तो हमने कहा आपसे थोड़ी बात करनी है। तो पहले समझते हैं कि क्या जिस तरह से खेत लहरा रहे हैं, ये जो समस्या एक पहाड़ों में आ गई है आजकल जंगली जानवरों की, उससे इनको कितना नुकसान हो रहा है, कितनी खेती इनकी बच पा रही है, कितना उपज ये बना पा रहे, इस पर बात करेंगे। और क्या गांव में इनको समस्याएं आ रही हैं उनके बारे में बात करेंगे। क्या परेशानी हो रही गांव में? सुंगर आ रही है, बहुत सुंगर आ रहे हैं। हाँ। अंदर सुंगर। अच्छा, तो नुकसान बहुत पहुँचाते हैं? नुकसान बहुत। अच्छा, और कोई परेशानी गाँव में? परेशानी क्या था आप लोगों को? अच्छा, मुझे ये बताइए, आप लोगों को सरकारी सुविधाओं का कितना लाभ मिला है? गैस कनेक्शन उज्ज्वला का मिला है आप लोगों को? मिला है किसी को, किसी को जो बीपीएल में आते हैं उनको मिला है। और जो खेती से जो पैसा मिलता है उसमें किसी को मिल रहा है? हमको तो कुछ नहीं मिला, न राशन मिला, न खेती बाड़ी का मिला, कुछ नहीं मिला हमको। आपको क्यों नहीं मिला? हमने आदमी ने होम काम करा तब वो खा रहे। तो आप सरकारी सेवा में आपके वह है इसलिए आपको नहीं मिला, बिल्कुल सही बात। चलिए, अच्छा मुझे एक बात बताइए, आप लोग जैसे यहाँ पर ज्यादा किस तरह के जानवर है, एक एक करके बताइएगा। आप बताइए। हमारे यहाँ सुंगर बहुत नुकसान करते हैं। हम खेत करते हैं 6 महीने, हमको कुछ नहीं मिलता है, आधा आधा मिलते हैं। अच्छा। जितना ट्रैक्टर को देते हैं उतना भी नहीं मिलता हमको। सुंगर बंदर करते हैं, हम बहुत मेहनत करते हैं, रात दिन मेहनत करते हैं। हम ये महले रात दिन लगे रहे हैं खेती में, पर तो सुंगर बंदर हमको कुछ नहीं देते हैं। पर इसका जरा हमको मदद करिए। आप कुछ बता रहे थे बंदर वाला, एक एक करके बताइएगा, एक एक करके क्या बता रहे थे आप बंदर का? घर में बाड़ी खोड़ी में कुछ नहीं होता। हाँ। बंदर सब खत्म कर देते हैं, खाली बीज बूते हैं बस। हाँ। बाजार से लेके बीज बूते हैं, होता नहीं कुछ। अच्छा। नहीं। और कौन कौन से जानवर हैं? बस वही है सुंगर बंदर, वही नुकसान कर रहे हैं। पूरा दिन तो हम खेती में लगे रहते, फिर रात को भी लगना पड़ता है हमको, रात को भी चौकीदारी करनी पड़ती है हमको, चौकीदारी उसको भी भगाना आते हैं रात को भी। फिर सुंगर बंदर, फिर ये बहुत नुकसान कर रहे हैं सुंगर बंदर। क्या क्या फसलें होती है यहाँ पर? गेहूँ और धान होता है, फिर होता तो है सभी कुछ होता है, हमारा हाथ कुछ नहीं आता। आपके हाथ? क्योंकि वो सब काट देता, चूहा भी सुंगर भी, रात को हम भगाने भी दाल भी होती है, फिर होती है बंदर की दाल होती है, हरी मूंग की दाल होती है, ये राड़ा होता है, सरों का तेल होता, सब कुछ है, पर सुंगर बंदर कुछ नहीं रखते, सुंगर बंदर कुछ नहीं रखते। ये एक बड़ी समस्या। यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं कैसी हैं, हेल्थ फैसिलिटी, मतलब अगर किसी को तबीयत खराब हो जाए तो उसके लिए अस्पताल, डॉक्टर सब हैं? यहाँ कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। हल्द्वानी जाना पड़ता है हमको, रानीखेत जाना पड़ता है, यहाँ चौकिया में कुछ नहीं है हमारी, कुछ नहीं है हमारे चौकिया में। हमारे इधर से हल्द्वानी तक जाते हैं, वहाँ से रेफर कर दिल्ली जाना पड़ता है, उधर जाकर खत्म हो जाता है। हमारे चौकिया में कुछ सुविधा नहीं है, अस्पताल में खाली पड़े हैं, अस्पताल बना है कुछ कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, डॉक्टर नहीं, कुछ नहीं, मशीन कुछ नहीं है, मशीन हशीन कुछ नहीं है, ऑपरेशन का मशीन कुछ नहीं है, यहाँ से हल्द्वानी जाना पड़ता है। अच्छा, एक आप लोग घास ला रहे थे, तो एक योजना कुछ टाइम पहले जिसका काफी जिक्र हुआ, घसियारी कल्याण योजना, आपने नाम सुना किसी ने? आपने नहीं सुना? आपने भी नहीं सुना? किसी ने नहीं सुना घसियारी कल्याण योजना का नाम? नहीं सुना? अच्छा, और उसके अलावा बाकी जो योजना, उज्ज्वला गैस कनेक्शन आपको मिल रहा है, राशन मिल रहा है,
उसके अलावा जो सरकारी जो जितनी भी योजनाएं उसमें लगभग लगभग सबका आपको फायदा मिला। कोई ऐसी चीज पानी की कितनी समस्या है या पानी है आप लोगों के लिए? नहीं पानी की समस्या है, पानी की समस्या है, पानी है, पीने का पानी, पीने का पानी है, सप्लाई आ रही है बराबर। अच्छा थोड़ा है, पानी है अभी, ठीक है। और घसारी कल्याण योजना का नाम आप लोगों ने नहीं सुना है। एक सरकार ने कुछ टाइम पहले एक योजना लॉन्च की थी, उसमें ये था कि जो महिलाएं घास लेने जंगल जाती हैं उनमें दो तरह की, एक तो ये है कि उनको बहुत टाइम वहाँ पे लगता है, दूसरा क्या होता है जो ऊँचे, ये तो तलहटी है लेकिन ऊँचे ऊँचे पहाड़ी इलाकों में क्या होता है कि महिला जाती है उनको लाइफ का खतरा बहुत होता है, कोई गिर जाती है, आजकल बाघ की बहुत समस्या है इस तरह की। तो उसमें था गवर्नमेंट ने पैकेज में उनको एक पैकेट में घास साइलोज वगैरह मिलेगा जानवरों के लिए, तो उसका आपने नाम नहीं सुना है? नहीं सुना, ठीक है। उसके अलावा कुछ आप लोग ऐसे भी काम करते हैं कुछ, कि जैसे ये तो हुआ कि आपके रोज़मर्रा की लाइफ है कि आपने घास का किया, खेती करी, उसके अलावा अपनी थोड़ा बहुत आजीविका हो जाए उसके लिए कुछ काम करते हैं आप लोग? कहाँ करते हैं, अपनी खेती बाड़ी में थोड़ा बहुत अपने अपने लिए थोड़ा जुड़े हैं, जुड़े हैं, बहुत जुड़े हैं, पर करते हैं थोड़ा थोड़ा, इतने का इतना जानकारी हमको नहीं है। अच्छा वैसे क्या क्या करते हैं आप लोग उसमें, किस में? स्वयं सहायता समूह में जुड़े हैं आप? सहायता जुड़े हैं उसमें। क्या करते हैं उसमें? उसमें क्या करते हैं हम, पैसे जमा करते हैं, फिर मंडुआ मुंडू जमा करते हैं उसमें। अच्छा मंडुआ धान वगैरह, मंडुआ धान। अच्छा, जो आजकल मिलेट्स की बात है। हाँ हाँ हाँ, वो करते हैं। तो मतलब मुख्य समस्या आपकी यही है कि आप खेती करते हैं तो जानवर नुकसान पहुंचाता है ना, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है। अच्छा अब तो चुनाव भी, अब तो चुनाव का संघनाद भी हो गया है, तो अब क्या सोचा? बोल देंगे जब हमारी मांग पूरी होगी, हमारे यहाँ सुंगर हमको नुकसान कर रहा है, हमारे बच्चे भूखे रह रहे हैं, हम 6 महीने काम कर रहे हैं, हमारे को तार बार की जरूरत है, तब हम वोट देंगे। मतलब हम वही तो कह रहे हैं कि तार बार की जरूरत है हमको, हम तभी वोट आगे चलेंगे, वोट तभी देंगे हम, हमको मांग पूरी होगी, हम यही कह रहे हैं। तार बार की जरूरत होगी तब, तार बार की जरूरत है तभी हमको वोट देंगे हम। ये तो आप कह रहे हैं ना चुनाव आ गए, उससे पहले क्यों नहीं कहा ये बात? क्यों नहीं हम कर, हमने कहा, हम बार बार नेता हमारे सुनती नहीं है, क्यों नहीं करा हमने? हम आ जाते घर घर, अब हमको तो देना पड़ता है, अब आपके बार हमको भी तो आगे चलना पड़ेगा, हमको भी देखना पड़ेगा, हमारे इतना नुकसान हो रहा है। करेंगे करेंगे, वो जीत जाते हैं, अब हमको पूछते भी नहीं, हमारे गाँव में आते भी नहीं, राम राम करते फिर पूछते भी नहीं है। और ये तो खैर पूरे पहाड़ की समस्या है, जंगली जानवरों की और स्वास्थ्य सुविधाओं की। अभी तक इस राज्य को बने हुए 24 साल हो गए, अभी तक हम अपनी बेसिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं सुधार पाए हैं। और ये इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो महिलाएं हैं, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि इस राज्य की धुरी महिलाएं ही हैं, अगर ये ना हो तो ये खेत आबाद नहीं रहेंगे। अगर खेत लोगों ने खेती करना छोड़ दिया था, उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि जंगली जानवर बहुत नुकसान पहुँचाते हैं। तो ये चकोटिया का खत्री गाँव है।